राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड पाठ्यक्रम 503 के यूनिट 2 से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है भारत में हिंदी का स्थान क्या है। सबसे पहले तो हम यह जानें कि किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी भाषा भाषी संप्रदाय के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण अंग है और हर देश उसके बारे में विचार करता ही है। हमारे यहाँ भी संविधान के निर्माताओं ने एक धारा 343 बनाई जिसमें अलग से हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है और यह लिखा गया है देवनागरी में लिखी हुई हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सरकारी भाषा राजभाषा होगी। हमारे भारत की यह सरकारी भाषा है और इसके साथ साथ अंग्रेजी को सह सरकारी भाषा बनाया गया है। ये दोनों बातें संविधान की धारा 343 में लिखी गई है। इसके अलावा अन्य अनेक राज्यों में हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, गुजरात में भी गुजराती के साथ साथ हिंदी का सरकारी स्तर पर प्रयोग होता है। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें भी कई जगहों पे हिंदी का प्रयोग होता है, जैसे चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार, दमन एवं द्वीप। किंतु पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ तमिल भाषा का प्रयोग होता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। किंतु इस बात पर यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि यह हमारी राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज नहीं है, यह मुख्यतः ऑफिशियल लैंग्वेज या सरकारी भाषा है। राष्ट्रभाषा के रूप में हमारा संविधान किसी भी भाषा को स्थापित नहीं करता है, यद्यपि की धारा 351 के अनुसार भारतवर्ष को या भारत सरकार को, अंग्रेजी में लिखा गया शब्द यूनियन है जो हमारे संविधान में प्रयुक्त हुआ है, उसको हम समझें कि भारत सरकार या भारतवर्ष के द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार एवं हिंदी की उन्नति के लिए सतत प्रयत्न होते रहना चाहिए। हिंदी को हमेशा एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन की तरह से स्थापित करने का प्रयास होते रहना चाहिए। किंतु फिर भी यह स्पष्ट है कि हिंदी को हमने कभी भी राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं देखा, बल्कि राजभाषा के रूप में देखा है। भारत में दरअसल कोई भी राष्ट्रभाषा है ही नहीं। वर्तमान में भी संविधान की 8वीं सूची में हिंदी के अलावा, या कहें हिंदी के साथ साथ, 21 अन्य भाषाएं आती हैं। पहले 14 भाषाएं आती थी, किंतु धीरे धीरे आवश्यकतानुसार अन्य भाषाओं को भी इसमें जोड़ा गया और आज की स्थिति यह है कि संविधान की 8वीं सूची में हिंदी के साथ साथ 21 अन्य भाषाएं भी आती हैं। हिंदी वह भाषा है जो हिंद या भारत में बोली जाती है। इसका पुराना नाम हिंदुई या हिंदवी है। इसके कई रूप माने गए हैं, जैसे खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली को प्रायः हिंदी का सबसे मानक स्वरूप माना जाता है। यह ब्रज और रेखता से अलग है। इसी हिंदी में एक समय में बहुत कुछ साहित्य में लिखा जाने लगा और धीरे धीरे हिंदी भाषा का एक साहित्यिक स्वरूप भी बना जिसे नागरी हिंदी के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ एक सामान्य हिंदी का भी स्वरूप है जिसे प्रायः हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है, जिसमें हिंदी एवं उर्दू का प्रायः मिश्रण होता है। खड़ी बोली प्रायः मेरठ, दिल्ली एवं आगरा के क्षेत्र में बोली जाती है और इसीलिए मेरठ, दिल्ली एवं आगरा के क्षेत्रों में बोली जाने वाली हिंदी के स्वरूप को ही प्रायः हिंदी का मानक स्वरूप माना जाता है। मैथिली, ब्रजभाषा और अवधी के साहित्य को भी प्रायः हिंदी साहित्य में रखा जाता है। हालांकि अब मैथिली को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा जा चुका है और इस तरह से उसका एक स्वतंत्र भाषा के रूप में भी अस्तित्व है। हिंदी में दरअसल अनेक क्षेत्रों की भाषाएं हैं, जैसे भारत के पूर्वोत्तर प्रांत की भाषाएं आती हैं, भारत के उत्तर प्रांत की भाषाएं आती हैं। इसीलिए हमें यह देखना पड़ता है हिंदी की किन किन बोलियों में या हिंदी के किन किन उपभाषाओं में साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस बारे में मूलतः मैथिली, ब्रजभाषा एवं अवधी तीन बोलियां हैं जिसमें साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। जैसे अवधि में जायसी का पद्मावत या रामचरितमानस लिखा गया, इसलिए अवधि, ब्रजभाषा और मैथिली। ब्रजभाषा में भी सूरदास ने बहुत कुछ लिखा एवं अन्य अनेक नाम आते हैं जो ब्रजभाषा में जिन्होंने रचनाएं की हैं। इस तरह से मैथिली, ब्रजभाषा और अवधि ये तीन वे भाषाएं हैं जिनसे हिंदी का साहित्य हमेशा ही धनी होता रहा है। इसके अलावा पत्रकारिता एवं प्रशासनिक कार्यों में भी हिंदी का बहुत प्रयोग होता है। यहाँ तक कि 1949 से पहले भी, 1949 वह समय है जिस समय भारतीय संविधान पीठ ने हिंदी को भारत की सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत किया था, किंतु उसके पहले से भी ग्वालियर, जयपुर आदि अनेक रियासतों में प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग होता आया था। 1826 में ही हिंदी का पहला अखबार उदंत मारतंड के नाम से छपना शुरू हुआ था।
हिंदी के इस प्रचुर प्रयोग के कारण अंग्रेजों ने भी, जो कि उस वक्त मूलतः कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स में आए थे और उन्होंने ही वहाँ अपनी छावनियाँ बनाई थीं, किंतु उन्होंने भी हिंदी को सीखना बहुत आवश्यक समझा और प्रशासनिक कार्यों में बहुत जगह हिंदी का प्रयोग स्वयं भी शुरू किया एवं अनेक जगहों पर जहाँ हिंदी का प्रयोग नहीं होता था वहाँ भी उन्होंने प्रयास किया कि सारे प्रशासनिक कार्य हिंदी में ही हों। आज भी बहुत सारे राज्यों में हिंदी सरकारी भाषा है। जैसा मैंने पहले ही आपसे बताया कि बहुत सारे राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात एवं अन्य अनेक प्रदेश ऐसे हैं जहां हिंदी का प्रयोग होता है। इस तरह से हिंदी एक प्रशासनिक भाषा के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अब धीरे धीरे तकनीकी विषयों का शिक्षण भी हिंदी में संभव होता जा रहा है। अनेक ऐसे संस्थान हैं एवं सरकार अनेक ऐसे प्रयास कर रही है जिससे तकनीकी शब्दावली पूरी तरह से हिंदी में उपलब्ध होती जा रही है और धीरे धीरे शिक्षण, अनेक संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं और नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं में भी हिंदी का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होने लगा है। साथ ही यह निर्विवाद है कि देश में सामान्य जनता की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बहुत ही आम है। प्रायः एक क्षेत्र की सामान्य जनता दूसरे क्षेत्र की सामान्य जनता से बातें करती है तो हिंदी में ही ये सब चर्चाएं होती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि आज के समय में हिंदी का शिक्षण एवं अन्य अनेक ऐसे क्षेत्रों में बहुत ही सामान्यतः प्रयोग हो रहा है, जो कि हमारे शिक्षण पूरी की पूरी प्रणाली के लिए बहुत आवश्यक है कि हम हिंदी भाषा का प्रयोग अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को करना सिखाएं, जिससे वे देश के अन्य अनेक क्षेत्रों में जा कर के अपना काम सुगमता से कर सकें। साथ ही हिंदी के इस ज्ञान से उन्हें प्रवेश परीक्षाओं, अन्य परीक्षाओं जो नौकरी इत्यादि के लिए होती हैं, उन सबों में भी सफलता मिल सके। धन्यवाद।